रतिया में 28 वर्षीय विवाहिता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर गांव बीरावदी के रूपे सिंह रेशम सिंह नाम के दो युवकों के खिलाफ दुष्कर्म करने, अपहरण करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि बीती 5 नवंबर को उक्त दोनों आरोपियों ने उसका अपहरण किया था, उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने धारा 376, 506, 365 और 34 IPC के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए फतेहाबाद के रतिया थाना के SHO रूपेश चौधरी ने बताया कि महिला विरुद्ध अपराध का मामला सामने आया है। इसमें पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच की जा रही है। दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रतिया से न्यूज़ 1 हरियाणा के लिए रवि गोयल की रिपोर्ट। वुमन है और इसमें पीड़िता ने अपने बयान दर्ज करवाए थे और जिस पर मुकदमा दर्ज करके बाद तफ्तीश आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़िता ने क्या आरोप लगाए हैं? पीड़िता ने आरोप ये क्राइम अगेंस्ट वुमन है जी। और पुलिस क्या कार्रवाई करेगा अभी? अभी 164 वगैरह के बयान वगैरह करवा दिए गए हैं और उसके बाद अब जैसे भी जल्द से जल्द उसकी कॉपी हासिल करके और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।